नर्मदापुरम जिले से 8 किलोमीटर दूर ग्राम रोहना में आग लगने से कई एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों एवं दमकल की मदद से कुछ जगह आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह खेतों में आग फैल रही है। ग्रामीणों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुका है। आज हम होशंगाबाद जिले की जो आजकल नर्मदापुरम हो चुका है उसकी पंचायत रोहना में खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक खेत में आग लग चुकी है। ग्रामपन आ चुकी है, आग पर काबू पाया जा रहा है। पूरे ग्रामीण यहां पर लगे हुए आग बुझाने में काफी फसल यहां पर नष्ट हो चुकी है। जनसेतु के लिए अमित बंदर। सर मेरा नाम ऋषि राम यादव है, मैं ग्राम रोहना का किसान हूँ यहाँ का। यहाँ बाजू में एक भूसे की मशीन चल रही थी, इससे आग लग गई है खेत में, जिससे कि मेरा 12 एकड़ की फसल जल के नष्ट हो गई है पूर्ण रूप से। और वगैरह केवल 12 एकड़ ही खेत जला है? नहीं, और अन्य किसानों की लगभग 50-60 एकड़ का नुकसान हुआ है। नुकसान की यदि बात करिए, हाँ, नुकसान की बात करी जाए 50-60 एकड़ का नुकसान ग्राम रोहना में आगजनी से हुआ है, जो कि भूसे की मशीन द्वारा आग लगी थी। भूसा मशीन से आग लगी 1:30 बजे करीब, वो यशवंत राजपूत की मशीन थी। करीब 60 एकड़ का नुकसान हुआ, खड़ी फसल जली। आपका ही नुकसान है या नहीं? सबका मिला के गाँव का, इनका तो 12 एकड़ है अपना। आपका नाम? मेरा नाम भागवत सिंह है।